थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए. डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लुक दिया. इट्स वेरी डिफरेंट. जब तक अभी तक का जो मैंने जितने कैरेक्टर प्ले किया है, इट इज मतलब मानसी का जो किरदार है नो फुल बोल्ड स्ट्रॉन्ग एंड एक कॉन्फिडेंस जो है उसमें, उस हिसाब से मतलब मुझे स्टाइलिंग किया गया. सो आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम क्योंकि उन्होंने जो सोचा है. सो यस, वेरी क्लासी एंड इंडो वेस्टर्न लुक फ्यूजन बनाया हुआ है. सो नाइस झुमका, द रिंग एंड नेकलेस. या ऑफकोर्स पहले अभी तक तो मानसी को रियलाइज नहीं हुआ था कि वो सम्राट से अफेक्टेड है. उसको लगा कि ठीक है मैंने छोड़ दिया है मेरी जिंदगी, मैं शुरू करने जा रही हूँ राघव के साथ. तो शी वॉज वेरी हैप्पी, यू नो उसने पार्टी अरेंज किया है, ये है वो है, शी इज़ वेरी हैप्पी. बट राइट नाउ उसको थोड़ा सा फील हो रहा है, शूट वो होता है ना कि जब आप किसी को छोड़ के चले जाते हो, कर्मा आपको सिखाता है कि भाई सही नहीं किया. सो आई थिंक मानसी को वही सब चीज़ें थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है. बट आई डोंट नो कि मानसी कैसे रिएक्ट करेगी आगे या नहीं सब चीज़ें करेगी. उसको देख के तो डेफिनेटली उसको थोड़ी बहुत तो जेलसी हो रही है. या आई थिंक येस, आगे आगे देखिए, पार्टी है सो डांस तो होगा. बट उसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं. सम्राट, मानसी, नयनतारा, राघव, ये चार कैरेक्टर राज बहुत कुछ करने वाला है. थैंक यू. आई एम रियली ग्लैड कि यू नो थोड़ा सा ऑफबीट कैरेक्टर को बहुत लोग कम पसंद करते हैं. बट ये मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि मैंने अभी तक जितने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है, सीधी साधी बेचारी लड़की, घर की बहू, फिर दुर्गा, पार्वती, काली, सो फुल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, फिर वॉरियर प्रिंसेस, बट दिस वन इज़ वेरी ऑफबीट मानसी का जो किरदार है. सो आई एम ग्लैड कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है. लाइक एंट्री से ही मुझे बहुत डीएम्स, मुझे बहुत मैसेजेस मिले, लोगों ने अप्रिशिएट किया. सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि एज एन एक्टर जब आपको चैलेंज दिया जाता है और आप उस पर खड़े उतरते हो तो अच्छा लगता है. सो यस, आई एम ग्लैड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. प्लीज़ लाइक कीप वॉचिंग, ये है चाहते, एंड कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच.